तारीख को चेन्नई गंगुली चेन्नई की शताब्दी समारोह की आज तैयारी बैठक है। उसके सब हमारे भाई नियत के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशरफ हुसैन साहब और इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी और प्रदेश के मोहतरम प्रदेश अध्यक्ष जनाब उमेश सिंह कुशवाहा जी, मंच पे हमारे बड़े भाई सुन्नी व बोर्ड के चेयरमैन जनाब इशादुल्ला साहब, हमारे दोस्त और भाई माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर चाली धनबर साहब, हमारे गार्जियन मैटी कमीशन के ग्रुप चेयरमैन और प्रोफेसर डी यूनुस हकीम साहब, माननीय सदस्य विधान परिषद गार्जियन ललन सराफ साहब यहाँ बैठे, चेयरमैन शियावा बोर्ड बड़े भाई जनाब अफजल अब्बास साहब, हमारे दोस्त भाई ग्रुप चेयरमैन बबलू मासूमी साहब शियावा बोर्ड, यहाँ तमाम हजरात बैठे हुए हैं और पार्टी के सारे लीडर ही बैठे हुए हैं। ज्यादा वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, लंबे समय से ये प्रोग्राम चल रहा है, बस ये तैयारी बैठक है, इसमें बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। और गार्जियन और बिहार सरकार के वित्त मंत्री बड़ी बारीकी से और उन्होंने कम वक्तों में सारी बातों को रख दिया है। हम सब यहाँ दानिश्वर समझदार बैठे हैं, उन्होंने इस तरह से उन्होंने बड़ा टास्क भी दे दिया है, तो मामला ये तैयारी बैठक है। हम ये चाहेंगे कि वक्त कम है, आज 16 तारीख आज हो गया, 24 तारीख को है, हम ये चाहेंगे 2-3 अपील करके अपनी बात को खत्म करें। हम ये चाहेंगे कि सोशल मीडिया का जमाना है और जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम 24 तारीख को शताब्दी समारोह किया जा रहा है, उसको कम से कम सोशल मीडिया पर अपने अपने आईडी से जरूर डाल दें। और मेरी भी जवाबदेही प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है, वो हम अपने जिला से भी 10 गाड़ी के साथ आदमी को लेकर के यहाँ छोटे भाई के साथ लोग रहेंगे और यहाँ पटना सिटी से हजारों की संख्या में हम लोग पैदल आएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों से अपील है कि आगे जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी तरह को कोई मामले हो, सरब साहब से भी बात करें, मुझे भी आगाह करें, जिस तरह की दुश्मनी होगी उसको बहुत कुछ कहना मुनासिब नहीं है, जिस तरह की दुश्मनी होगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और हजारों की संख्या में पटना के इर्द गिर्द पटना सिटी में हम रहते हैं, हजारों की संख्या में वहां से हम लोग पैदल चल करके यहाँ आपको वेटरनरी कॉलेज के प्रांगण में पहुंचेंगे। इस तरह की जहाँ भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत है जो पटना साथी के साथी सुन रहे हैं वो हमसे जरूर बात करें, आश्रम साहब को भी आगाह करें, हम लोग इसको बढ़ चल करके ये ऐतिहासिक जो है शताब्दी समारोह की नजर पूरे देश की है। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन भाई। सज्जन भाई लिखे ना, इशांत साहब क्या बोले।